चिलुआताल थाने की पुलिस ने हत्या व लूट के अपराध में शामिल 6 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने बताया कि चिलुआताल पुलिस ने अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलुआताल गोरखपुर, दूसरा मनोज साहनी पुत्र देवमुनि निवासी मोहरीपुर तरहवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, तीसरा सुनील उर्फ बहादुर चौहान पुत्र श्रीराम चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलुआताल, चौथा सोनू मिश्रा उर्फ विनोद उर्फ अजीत मिश्रा पुत्र स्वर्गीय शंभू मिश्रा निवासी सिद्धवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, पांचवा वीरेंद्र कसौधन पुत्र स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, छठा विकास पाठक उर्फ दीपू पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर पाठक निवासी चाईपुर पोस्ट सिद्धवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि गैंग लीडर मनोज चौहान अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ के लिए आए दिन हत्या लूट व डकैती जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर चिलुआताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत चिलुआताल पुलिस द्वारा गैंग लीडर मनोज चौहान व उसके अन्य 5 साथियों के ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इनके ऊपर हत्या लूट डकैती सहित कुल 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।